भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया फर्स्ट टी20 2024 का काफी घातक विस्फोटक मुकाबला। यहां पर सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह तो भैया अभिषेक शर्मा का आया तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर, श्रीलंका के गेंदबाजों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को कप्तानी का जिम्मा दिया गया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई के गेंदबाजों को इस कदर धो दिया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लें। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच फर्स्ट टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस के बाद ही भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दे दिया। भारतीय टीम की तरफ से तूफानी विस्फोटक शेयर हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में पहले एक ओवर में शानदार तरीके से दो कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की बदौलत से 14 रन ठोक दिए। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ताबड़तोड़ तरीके से डटकर मैदान पर बल्लेबाजी करने लगे। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी शेयर हार्दिक पांड्या ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। आप सभी को बता दें, हार्दिक पांड्या काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर महज 38 रन ठोकर के आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर अभिषेक शर्मा आए। जी हाँ, अभिषेक शर्मा वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है, वो आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाज है, इसने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पर भारतीय टीम को दूसरा काफी बड़ा झटका लग गया। पांचवें ओवर की चौथी बॉल पर महज 41 रन ठोकर के फिर शुभमन गिल भी आउट हो गए। भारतीय टीम को दो झटके काफी लगातार बड़े लगे। अब शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी हाँ, छठवें ओवर की छह गेंदों पर लगातार दो चौके और तीन गगनचुंबी छक्के अभिषेक शर्मा ने ठोक दिए और श्रीलंका के गेंदबाजों के पसीने छूटने लगे। श्रीलंका के गेंदबाज भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। तो वहीं अभिषेक शर्मा का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था और काफी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 60वें ओवर की 6 गेंदों पर दो चौके और दो गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। तो वहीं 9वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए। अब ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक शेयर आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी भरी बल्लेबाजी करता है, वो चट्टान है जो मैदान पर अच्छे से अच्छे बेहतरीन गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। श्रीलंका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कदम रखा, 10वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 गगनचुंबी चौके से शुरुआत की। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। तो वहीं अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए 61 रन ठोक करके। अब अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तो सूर्य का साथ देने के लिए मैदान पर रिंकू सिंह आए। अब रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव दोनों विस्फोटक शेयरों ने आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सभी को बता दें, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला विस्फोटक तरीके से चलने लगा। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 13वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके ऐतिहासिक पारी खेल डाली। रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। यहां पर ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान ने सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन सूर्य और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह की आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर श्रीलंका के गेंदबाज कांप उठे। श्रीलंका के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी शेर रिंकू सिंह का बल्ला महेंद्र सिंह धोनी की तरह चल रहा था। रिंकू सिंह ने युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में यहां पर 20वें ओवर तक जाते थे। भारतीय टीम के शेयरों ने यहां पर 448 रन ठोक दिया, 449 रनों की यहां पर श्रीलंका के खिलाड़ियों को टीम में जरूरत थी जीत के लिए। जब श्रीलंका की टीम में
मैदान पर बल्लेबाजी करने की उतरी तो रवि बिश्नोई ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर डालने के लिए आवेश खान गए। दूसरा ओवर में आवेश खान ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 6 रन दे दिए। तीसरा ओवर डालने के लिए जसप्रीत बुमराह गए। तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी ने यहाँ पर एक विकेट चटका दिया और एक श्रीलंका के गेंदबाज को चलता बना दिया। आप सभी को बता दें, यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई, आवेश खान, जसप्रीत बुमराह काफ़ी तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका के दो बल्लेबाज इतनी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे मानो तूफान सा आ गया हो। एक पल के लिए ऐसा लगा कि यहाँ पर आप सभी को बता दें जो है श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीत कर अपने नाम दर्ज कर देगी जीत, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 विकेट चटका दिए, जहां पर आप सभी को बता दें श्रीलंका के वो दिग्गज खिलाड़ी जो 61 और 72 रन ठोक चुके थे उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और हमारी भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहला T20 सीरीज का मुकाबला जीत कर अपने नाम कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अभी कर दीजिए। मिलते हैं।